नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रिपोर्ट्स इंडिया। एक स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष यात्रियों के लिए घर की तरह होता है। यहाँ भी चार दीवारें और एक छत होती है। यहाँ सोने के लिए स्लीपिंग स्पेस बने होते हैं। ये ठीक वैसे ही होते हैं जैसे एक फोन बूथ। इस रूम में अंतरिक्ष यात्री अपनी किताबें, लैपटॉप, कपड़े रखते हैं, क्योंकि यही उनका छोटा सा ऑफिस होता है। नासा ने बुधवार को जानकारी दी कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS का कोई शौचालय काम नहीं कर रहा है। इस कारण अंतरिक्ष यात्रियों को डायपर का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। ISS के कमांडर लूसा परमिटानो के मुताबिक अमेरिकी हिस्से में लगा शौचालय लगातार खराबी का सिग्नल दे रहा है। वहीं रूसी हिस्से में लगा हुआ शौचालय पूरी क्षमता तक भर चुका है और इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में रूस में निर्मित दो शौचालय लगाए गए हैं। एक शौचालय अमेरिकी हिस्से में लगाया गया है तो दूसरे शौचालय को रूसी हिस्से में लगाया गया है। इन दोनों के अलावा अंतरिक्ष स्टेशन से जुड़े सोयूज अंतरिक्षयान में भी शौचालय है, लेकिन उनका प्रयोग अंतरिक्षयान की उड़ान के दौरान किया जाता है। स्थिर रहने की स्थिति में इनका प्रयोग कभी कभार होता है। इस समय अंतरिक्ष में दो अंतरिक्ष स्टेशन कार्य कर रहे हैं। इनमें से एक अमेरिका, रूस, यूरोपीय संघ, कनाडा और जापान की मदद से संचालित किया जाता है। इसे ही अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन ISS के नाम से जाना जाता है। दूसरा अंतरिक्ष स्टेशन चीन का है और इसका नाम तियानगोंग 2 है। ISS को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित किया गया है। यह स्टेशन लगातार पृथ्वी की परिक्रमा करता रहता है। इससे पहले रूस का अंतरिक्ष स्टेशन मीर पृथ्वी की परिक्रमा करता था, लेकिन इसको संचालित करने में अधिक खर्च आने और सुरक्षा कारणों के चलते इसे 2001 में दक्षिण प्रशांत महासागर में गिरा दिया गया था। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। रिपोर्ट्स इंडिया की खबर।